जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल गुड जॉब्स में। दोस्तों हम नया वैकेंसी लाया है, इसका ये वैकेंसी है सेल राउरकेला स्टील प्लांट ट्रेनी 2023। तो इसमें टोटल वैकेंसी है 202 पोस्ट है टोटल। ब्रीफ इंफॉर्मेशन पढ़ लेते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन लाया गया ट्रेनी वैकेंसी के लिए। स्टाइपेंड बेसिस पर रहेगा, उड़ीसा लोकेशन उड़ीसा का रहेगा। जो भी विद्यार्थी इसमें इंटरेस्टेड है अपने आप को एलिजिबल पाते हैं, सबसे पहले नोटिफिकेशन पढ़े फिर इसमें अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हैं। दोस्तों दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगे, 15 अगस्त 2023 से फॉर्म ऑनलाइन हो चुका है, लास्ट डेट है 30 अगस्त 2023। एज लिमिट रहेगा, मिनिमम एज 18 साल है, मैक्सिमम एज है 35 साल है। 18 से 35 के बीच में जो भी स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं उस वैकेंसी में भाग ले सकते हैं। इसमें जो रहेगा ट्रेनिंग का रहेगा स्टाइपेंड बेसिस पे। वैकेंसी डिटेल्स देख लेते दोस्तों। इसमें पहला है डिसिप्लिन के हिसाब से, डिसिप्लिन नेम टोटल पोस्ट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन। मेडिकल अटेंडेंट ट्रेनिंग रहेगा, इसमें टोटल पोस्ट रहेंगे 100, उसमें क्वालिफिकेशन मांगा मैट्रिक यानी 10वीं पास मांगा। दूसरे में है क्रिटिकल केयर नर्सिंग ट्रेनिंग, इसमें टोटल पोस्ट है 20, डिप्लोमा मांगा जीएनएम का और बीएससी नर्सिंग, या तो बीएससी नर्सिंग या जीएनएम रहता है जो नर्सिंग कोर्स का वो मांगा है। और तीसरा है एडवांस स्पेशलाइज्ड नर्सिंग ट्रेनिंग, इसमें 40 पोस्ट है और इसमें भी सेम डिप्लोमा जीएनएम और बीएससी नर्सिंग मांगा, दोनों में से कोई एक हो तो आप कर सकते हो। और इसमें चौथा पोस्ट है डाटा एंट्री ऑपरेटर मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, इसमें टोटल पोस्ट है 10। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा 10+2 यानी 12वीं पास मांगा है, साथ में आपके पास पीजीडीसी होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा ही कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए। और मेडिकल लैब ट्रेनिंग पांचवा है, मेडिकल लैब ट्रेनिंग, इसमें टोटल पोस्ट है 10। इसमें जो कोर्स है डीएमएलटी है इसमें कोर्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के तौर पे। दोस्तों छठवा पोस्ट है फार्मासिस्ट ट्रेनिंग, इसमें टोटल पोस्ट है 3 और उसमें क्वालिफिकेशन मांगा डी फार्मा या बी फार्मा, दोनों में से कोई एक बोला है। आप डी फार्मा भी किए तो उसमें एंट्री ले सकते हैं, और बी फार्मा वाले भी इसमें एंट्री ले सकते हैं। और 7 पोस्ट है हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर ट्रेनिंग, इसमें टोटल पोस्ट है 7, इसमें जिसने क्वालिफिकेशन मांगा है एमबीए बीबीए पीजी डिप्लोमा डिग्री हॉस्पिटल मैनेजमेंट हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, अगर आपने एमबीए किया है बीबीए किया है तो भी इसमें भाग ले सकते हैं, पीजी डिप्लोमा भी किए तो वाले कर सकते हैं, और डिग्री मांगा है हॉस्पिटल मैनेजमेंट में या हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन। 8वां पोस्ट है ओटी एनेस्थीसिया असिस्टेंट ट्रेनिंग, इसमें टोटल पोस्ट है 5, इसमें 10+2 का क्वालिफिकेशन मांगा है यानी 12वीं पास मांगा। 9वां पोस्ट है एडवांस फिजियोथेरेपी, इसमें टोटल पोस्ट है 2, बीपीटी मांगा है इसमें, जो बीपीटी कोर्स होता है बैचलर इन फिजियोथेरेपी वाला वाला कोर्स मांगा है। रेडियोग्राफर 10वां पोस्ट, इसमें टोटल पोस्ट है 5, इसमें डिग्री जो मांगा है डिप्लोमा बोल मांगा है मेडिकल रेडिएशन टेक्नोलॉजी का। दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट लिंक देख लेते हैं, अप्लाई ऑनलाइन लिंक है 16/8/2023 से फॉर्म ऑनलाइन हो चुका है, इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें https://shampak.salrsp.co.in/IGHCST लिंक आपका वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और नोटिफिकेशन लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। दोस्तों ऑफिशियल जो इसकी वेबसाइट है सेल की https://www.sale.co.in/en/home। दोस्तों ऐसे वीडियो आप देखना चाहेंगे तो हम बनाते रहेंगे, लेकिन इसके लिए आपको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना पड़ेगा, क्योंकि आपके लाइक और सब्सक्राइब से ही हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।